मैं अभी भी से पठान पीछे ना सही भाई एक नया वीडियो लेके आऊँ। आज मैं अपने कुछ कबूतरों को उड़ा रहा हूँ। उड़ान तो हो नहीं रहा, शौक, बस शौक अपना पूरा कर रहा हूँ। इधर देख रहे होंगे आप कुछ कल्थरे कबूतर वगैरह भी है, तांबड़े हैं, कल्दू में हैं मेरे, और कुछ कबूतर उड़ना भी शुरू कर दिए। और इधर कुछ कबूतर और है, ये पट्टा निकल गया जिसे उड़ान नहीं था, वो मादा है। तो बगल में कल दूंगा दो कल्थरे, कुछ कबूतर उड़ना भी शुरू कर दिए हैं, और कुछ बात भी करनी है आप लोगों से जो कल अभी चल रहा है रिसेंटली में। ये कल दूंगा कबूतर है, पहले इन्हें उड़ा लूँ फिर बात करते हैं। मौसम भी अभी खुल चुका है, वैसे बारिश हो रही थी। ये तामड़ा को उड़ाना नहीं है मुझे, लेकिन वो पड़दार कबूतर है, कमज़ोर है थोड़ा, उड़ा लेता हूँ पहले मैंने, फिर बात करते हैं आप लोगों से। तामड़ा उड़ गया था आगे जागा के लिए। आ रहे बच्चा, उड़ान तो होगा नहीं, तो अपना ही शौक के लिए बस उड़ा रहे हैं। टाइम अभी 3 बज रहा है, कल भी उड़ाया था लगभग 3 घंटे का उतर उड़ के आए थे, कुछ 2 घंटे भी आए थे। कबूतर ऊपर है बहुत आसमान में, अगर आपको दिख रहा होगा पहले से उड़ रहे हैं। एक कबूतर ऊपर एकदम, कबूतर आपको अगर दिख रहे होंगे कुछ ऊपर है कुछ नीचे है। एक कबूतर आ गया, ये पट्टा, ये अभी 0 कली का, ये से उड़ाना नहीं था, गलती से उड़ा था ये। और एक मैंने बताया था आपको वहाँ तामड़ा, उसे भी नहीं उड़ाना। और ये दो और दो तीन कबूतर हैं जो कमज़ोर हैं, इसे उड़ाना नहीं था, लेकिन पड़दार है तो फिर इनको पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाता। ये देखें, एक और दो आ रहे हैं ये दोनों, और एक और है चीनी कबूतर, वो भी कमज़ोर है, उसे भी नहीं उड़ाना था। एक इधर पट्टा मेरा, आओ आओ आओ। तो चले बात करते हैं अब जो मेन रीज़न है, जो भी कंट्रोवर्सी बहुत सारी चल रही है FSA एंटरटेनमेंट को लेकर, ठीक है। कुछ बातें हैं जो मैं भी अपने तरफ से अपना राय देना चाहूँगा उस चीज़ को लेकर। तो पहले तो बात यह है कि मैं दूसरे की चीज़ों में ज़्यादा घुसता नहीं हूँ, ठीक है। कल मुझे एक व्हाट्सएप मैसेज आया था कि FSA एंटरटेनमेंट वालों का चैनल बंद हो गया, तो फिर मैंने पूछा रीज़न क्या, उसने बताया कि बाहर जाकर उसने वीडियो बनाई थी, इसलिए उसका चैनल पे बहुत सारे लोगों ने रिपोर्ट किया तो बंद हो गया। पर जब मैंने चेक करना शुरू किया तो फिर ऐसी बात नहीं थी, फिर मैं भी घबरा गया, मैं भी तो अपने घर से वीडियो बना रहा हूँ, शायद रिपोर्ट करना लोग शुरू कर दे तो मेरा भी चैनल बंद हो सकता। फिर जब मैंने चेक किया, मैंने डाला FSA एंटरटेनमेंट करके गूगल पे, नॉट गूगल पे, यूट्यूब पे, तो बहुत सारे चैनल्स हैं, उसके चैनल नहीं है। मैं बहुत पहले उसकी वीडियोज़ देखा करता था, फहद नाम है उस बंदे का, कबूतर उड़ रहे हैं मेरे भी, ठीक है। तो और चेक किया तो उसका वीडियोस नहीं आया, लेकिन बहुत सारे और रैंडम वीडियोस थे, तो बहुत सारे लोगों ने लगा रखा था थंबनेल एक्सपोज एक्सपोज करके। तो फिर रैंडमली मैंने एक वीडियो उठाकर देखना शुरू किया, वो कबूतरबाजों में से नहीं था, जो हमारी कम्युनिटी कबूतरबाजों की उससे नहीं थी, कोई बर्ड्स वाली कम्युनिटी में से बंदे थे, ठीक है। तो वो मैंने सोचा क्या मसला, देख लिया जाए क्या हो रहा है। अभी सब वीडियोस बनाए जा रहे हैं दरा दर व्यूज़ और पैसे कमाने के चक्कर में, किसी को ही बदनाम कर रहे हैं, ठीक है। फिर जब मैंने शुरू किया तो वो अभी एक अगर आप मीम्स वगैरह आप देखते होंगे, एक नाइजीरियन जो डांस चल रहा है ताबुक को लेके, वो जो एक संदूक होता है जिसमें लोग जब मरते हैं तो वो
उसका वीडियोस डाल के, और लोग बाद में, पहले तो जो वीडियो स्टार्ट होती है तब थंबनेल है उसमें लिखा हुआ बहुत बड़ा सा एक्सपोज एक्सपोज वीडियो एक्सपोज FSA इंटरमेंट एक्सपोज FSA क्या 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 बकवास बकवास डालकर बस व्यूज़ कमाना मेन मकसद है और पैसे कमाना। ठीक है, किसी को भी बदनाम कर दो, सबने लगा रखा है। अब यही चल रहा है अभी हमारी कम्युनिटी के अंदर। ठीक है, और बहुत सारे लोग स्क्रीनशॉट वगैरह शेयर कर रहे हैं कि वो पैसे लेकर वीडियोस बनाया करता था। एक और कबूतर आ गया। तो भाई पैसे लेकर कौन फ्री का काम कौन करता है ये बताओ पहली बार। ठीक है, फ्री का काम कोई भी नहीं करता। अगर मैं अपनी कबूतर बाज जो भी पिजन्स कम्युनिटी उसके बारे में बात करूँ तो बहुत कम ही लोगों को पता होगा, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो वीडियोस का भी पैसे लेकर ही बनाते हैं। ठीक है, पैसे नहीं भी लेते तो वो कबूतर लेते हैं उनसे वीडियोस बनाने का। ठीक है, या फिर आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि अगर आप देखोगे उसके छत पे एक बंदा एक जगह जा रहा वीडियोस बनाने के लिए, ठीक है, अगले दिन देखोगे उसके घर पे वही कबूतर वही ब्रीड आ गई है। तो आपको समझ में ही आ जाना चाहिए कि वो कबूतर कहाँ से आए। ठीक है, ऐसे ऐसे वीडियो देखोगे जिस पर देख के आपको हंसी आएगी। 100 रुपये में एक नंबर वन जोड़ा गिरबास का, यहाँ तो भाई 300 रुपये में देसी गोले मिलते हैं, 100 रुपये में कहाँ से आप दिलवा दोगे मुझे ये बताओ। 100 रुपये में, और वो भी टॉप क्लास के ऐसे कबूतर दिखाएंगे। और जब आप कॉल करोगे, मैंने खुद ही कॉल किया है, ठीक है, बंदा कोई नहीं उठाता और वो स्विच ऑफ ही आता वो नंबर। तो ये एक ज़रिया है बस पैसे कमाने का, सब्सक्राइबर बनाने का, लोगों को बेवकूफ़ बनाने का। ठीक है, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि किसी भी एक पर्टिकुलर बंदे को, ठीक है, सब टारगेट नहीं करें वो, उसका मतलब पैसे पैसे कितना ले रहा है, क्या ले रहा है, क्या नहीं ले रहा है। ठीक है, बस अच्छा शौक करें, कोविड से भी बचे, घर पे ही रहें। ठीक है, ये देखिए मेरे कुछ कबूतर आ गए हैं, कुछ कबूतर लगे हुए हैं ऊपर ही, आ भी रहे हैं। अब तो उड़ान होगी नहीं, तो बस अपना शौक के वजह से उड़ा रहे हैं बस। और रमज़ान भी शुरू हो गया, उसके लिए रमज़ान मुबारक सही भाइयों को, ये तो मैं भूल ही गया था पहले ही, क्योंकि अभी इतनी ज़्यादा कंट्रोवर्सी चल रही है, जहाँ देखो सब एक्सपोज एक्सपोज वीडियो बना के बस पैसे कमाने का सोच रहे हैं, न जानते उसके बारे में वो कैसा बंदा है। किसी ने बात नहीं की उससे एक्चुअली, ठीक है, कि प्रॉब्लम क्या है, बस सब एक्सपोज एक्सपोज कर रहे हैं, बहुत बड़ा लग रहा है, स्कैम चल रहा है जैसे भाई। और दूसरी बात, अगर पैसे लेने की है, ठीक है, उसने अपना जॉब छोड़ के, जैसा मैंने एक वीडियो में देखा था, उसने अपना जॉब छोड़ कर ये अपना फुल टाइम जॉब कर लिया, ठीक है, पैसे वो अपने फैमिली को अपना खर्चा सब इसी से चला रहा है, तो फिर भाई उस काम के लिए वो पैसे क्यों ना ले। ठीक है, तुम्हारे घर में कहाँ से पैसे आ रहे हैं, तुम्हारे फादर है जो भी है तुम्हारे घर में, जो भी वो मेहनत करता है उसके उसके टाइम का पैसा मिलता है, तो वो भी उसी चीज़ को फुल टाइम दे रहा है, उसको उसमें वो पैसा ले रहा है, तो उसमें गलत क्या है। तो ये मेरे कुछ कबूतर अभी आ रहे हैं, कुछ उड़ रहे हैं, कुछ ऊपर अगर आपको दिख रहा होगा एकदम, तो ये सब मेरे ब्रीडर्स नर, इसी में से वो कबूतर से जो ऊपर निकल गए थे जिसे मुझे उड़ाना नहीं था। तो FSA इंटरटेनमेंट से रिलेटेड तो मैं बस एक ही बात कहूँगा कि आगे बढ़े और लोगों को भी बढ़ने दें, जैसे एक्सपोज वीडियो बजा के किसी की इज्जत ना उछालें, इज्जत ना ख़राब करें। ठीक है, बहुत सारा ज़रिया होता है लोगों को पैसा कमाने का, कम वक्त तो आगे बढ़ें और दूसरे को भी बढ़ाएं। ठीक है, सब कुछ पैसा ही नहीं होता, मैं उनको शौक करवा था लेकिन अभी सब कबूतर मेरे जो भी बाकी थे सब बंद हो चुके हैं, दिखेंगे ही नहीं मुझे, खुद नहीं दिख रहा, एक वहाँ पर चल रहा है अभी, अगर आपको दिख रहा होगा तो बहुत दिनों में लगभग एक आओ एक दिख रहा है, तो बूंद एकदम डॉट है, 6-7 कबूतर है जो बंद हो चुके हैं, ज़्यादा ही है, जो भी नीचे टंगे हुए थे सारे बंद हो चुके हैं, और ये सारे जो मेरे मेल से जो मैंने जोड़े तोड़ के रखे हुए हैं। देखते हैं क्या होता है, कितने घंटे में आते हैं, इंशाल्लाह कल आपको बताएंगे, या फिर अगर
कबूतर आज लौट गए हैं, तो फिर कंटिन्यू करूँगा वीडियो को पॉज करके, ठीक है।